नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा फसल क्रांति YouTube चैनल पर। किसान साथियों नमस्कार, आज हम चलते चलते आप पहुँचे हैं नोएडा। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे फार्म हाउस है, काफ़ी खेती की गई है और मैडम राखी मित्तल जी हैं जो कि ये किचन गार्डनिंग के साथ साथ यहाँ फार्म हाउस पे भी विभिन्न प्रकार के फसलों को उगा रही हैं। आप MBA की है, इसके बाद भी आपको कृषि का बहुत अच्छा ज्ञान है। हम मैडम से जानना चाहेंगे कि मैडम आप थोड़ा सा अपना परिचय बताते हुए ये बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। देखिए मेरा शौक था जी, और करीब 8-10 साल से मैं अपने घर पे कर रही थी जी, और घर से ही मैंने उगाना शुरू किया और उसका ऐसा हमको आदत पड़ी कि बाज़ार से लेना बंद हो गया। हम जो होता था अपने घर का ही खाते थे जी। फिर ये इच्छा हुई कि हम क्यों ना अनाज भी अपना खाएं, तेल भी अपना हो, तो थोड़ा सा कुछ लैंड हमने लीज़ पे देखना शुरू किया। थोड़े टाइम में हमको ये लीज़ पे मिला 2 एकड़, उसको हमने लेके फिर देसी गाय के साथ में यहाँ पे खेती शुरू की। बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो पहला था सेल्फ कंजम्पशन करना, कि हम अपने लिए अच्छा उगाएं और खाएं, क्योंकि बाज़ार में तो देखते ही थे। और क्योंकि मैं कुछ टाइम से अपने घर पे भी उगा रही थी और इसी दौरान हमारे एक फैमिली फ्रेंड के भी खेतों पे जाना हुआ, तो हम किसानों से अक्सर संपर्क में आते थे और मैं अपनी आँखों से देखती थी वो सब गलत जो हो रहा है खेती में। काफ़ी कोशिश करते थे कि किसान सही तरीका अपनाएं, लेकिन जब देखा कि नहीं उनके समझ में आ रही है, तो सोचा क्यों ना खुद ही उसको उगा के और सही तरीका दिखाया जाए कि ये सही तरीका है और सही चीज़ खाई जाए, शुद्ध चीज़ खाई जाए। तो यानी यही शुद्ध चीज़ खाने की ललक रही होगी। हाँ, एग्रीकल्चर की ओर रुझान। हाँ, पहले तो ये रहा कि किसान इसको उगाएं, पर जब हमने देखा कि किसान को नहीं समझ में आ रही है क्योंकि उनकी वो आदतें पुरानी हैं, तो उसको कैसे बदला जाए, तो वो तभी हो सकता है जब हम एक मॉडल क्रिएट करके दिखाएं कि ये हो सकता है, पॉसिबल है, डुएबल है। और पहला हमारा जो उद्देश्य था वो था अपने लिए सेल्फ कंजम्पशन करना, और जो सरप्लस होता है वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में चला जाता है, वो ले लेते हैं। तो बेसिकली ये एक फैमिली फार्म मॉडल है। अच्छा। हाँ, तो हम थोड़ा कुछ हमारे जो जानकार हैं या जो कुछ कस्टमर हमारे बन गए हैं इस खेत से इतने रेगुलर हो गए हैं कि उनको यहीं का खाना होता है। अच्छा। तो उनसे हमारा जो भी खर्चा वगैरह उससे हमारा चलता है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, आप एक जानी मानी चेहरा इस समय हैं किचन गार्डन में, तो क्या कुछ महिलाएं आपसे ट्रेनिंग भी लेती हैं इसकी? हाँ जी। अच्छा। मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। अच्छा। ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ मैं, और फार्म पे भी मैं क्लासेस लेती हूँ। अच्छा। तो दोनों तरीके से ट्रेनिंग देती हूँ, और जो अब मेरे से जुड़ गए हैं वो लोग अपने भी छत पे अब उगा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी उनको जगह है, जिनके पास में लैंड है वो अपने लैंड को यूज़ कर रहे हैं, और जिनके पास घरों की छत है, बालकनी है, जितनी भी स्पेस है, वो लोग अब उसको यूज़ करके कुछ ना कुछ तो उगा ही रहे हैं और खा रहे हैं, और मुझे उनकी तारीफ़ें मिलती हैं, फीडबैक मिलता है, तो मुझे उससे एनकरेजमेंट मिलता है। हमारे देखने वालों में बहुत सी महिलाएं हैं जो आपको देख रही हैं, अगर वो आपसे ट्रेनिंग लेना चाहें तो हाँ, क्या प्रोसीजर है, कैसे आपसे मिल सकती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। ट्रेनिंग के लिए हमारे दो तरीके, एक तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग, क्योंकि अभी कोविड के टाइम में ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू किया है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं, और मैं उनको लिंक भेज देती हूँ वहाँ रजिस्टर करके, एंड दे हाँ वो ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो मैक्सिमम ये ट्रेनिंग कितने समय तक का होता है? ये 2 दिन का ट्रेनिंग होता है। अच्छा। हाँ हाँ, 2 से 3 दिन का ट्रेनिंग है ये। अच्छा। और इसमें हम कंप्लीट इसमें पूरी नॉलेज दे देते हैं, उसके बाद भी जो प्रैक्टिकल जब पार्टिसिपेंट करते हैं तो कोई दिक्कत आती है तो हम उनसे हमेशा के लिए जुड़े रहते हैं उनको गाइड करने के लिए। तो हर छोटी छोटी बात पे हम उनको हमेशा, उनकी लाइफ लॉन्ग हम उनको गाइड करते हैं फिर। तो मैडम थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे कौन कौन सी फसल आपने लगाया है, हमारे दर्शकों को आप दिखाइए। हाँ, अभी अब जैसे विंटर सीज़न अब जा रहा है तो अब पकाव का टाइम है, ये हमने वीट लगाया हुआ है, और वीट के साथ ही चने की इंटरक्रॉपिंग कर रखी है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे चने की इंटरक्रॉपिंग है, और साथ में हमने मसूर लगाया हुआ है, और अलसी है। जैसे इस क्यारी में हमने अलसी और मसूर का इंटरक्रॉपिंग किया हुआ है, इधर हमने चने का और धनिए का और मसूर का, इस तरह से हम इंटरक्रॉपिंग करके करते हैं। बीच में एक लाइन है कुसुम की, जिसे कर्डी भी बोलते हैं, जिसका तेल निकलता है। अच्छा। तो हमने इसी पैच में हम 3-4 फसल ले रहे हैं इंटरक्रॉपिंग के थ्रू। और सब्जियों की बात की जाए मैडम, तो सब्जी किचन गार्डन में क्या क्या ले रही हैं?
अभी हम विंटर की सब्ज़ी ले रहे हैं। अच्छा। और अब क्योंकि मौसम जा रहा है, अब मार्च है, तो अब समर की सब्जियों का हमने सीड लगा दिया था फेब में, तो अब वो सीडलिंग ग्रो हो रहा है, तो हमें 2 महीने में समर की सब्जी मिल जाएगी प्रॉब्ली अप्रैल एंड तक। और इस दौरान हमारी अभी विंटर की सब्जी चल रही है, जैसे पालक है, अभी हमको पुदीना मिल रहा है, धनिया है, देन प्याज है, आलू है, थोड़ी गाजर भी है, अभी जाता सीज़न है दो, लेकिन हमको अभी ये सब्जियां मिल रही हैं। देन हमने मसाले भी लगाए हुए हैं, सौंफ लगाया हुआ है, मस्टर्ड हमारे को अपना हो जाता है, तो हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, तो इस तरह से हमको ये भी विंटर की क्रॉप हमको मिल जाएगी, हार्वेस्टिंग होने वाला है। आप कुछ मेडिसिनल प्लांट भी ले रही हैं? हाँ, मेडिसिनल भी है। अच्छा, जैसे? हमारे पास एलोवेरा होता है मेडिसिनल में। अच्छा। पत्थरचट है जी, और सहजन का ड्रमस्टिक जिसे कहते हैं, सहजन पत्ती है, और वैसे तो सारे ही प्लांट्स एक तरह से मेडिसिनल होते हैं, लेकिन ये मेन कुछ हैं जो हमने लगाए हुए हैं, पुदीना है एंड पिपरमेंट है, ये सब हमने मेडिसिनल लगाए हुए हैं। मैडम, आजकल सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, तो क्या आप भी जैविक खेती को यहाँ इम्प्लीमेंट कर रही हैं? हाँ, से यानी रासायनिक खादों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही यह था कि हमें अपने लिए खाना है, उगाना है, तो आप जो खाद तैयार करती हैं कैसे? इसलिए इसके लिए हमने शुरुआत ही गायों से की। अच्छा। हमने देसी गाय जो कि दूध नहीं देती थी, तो सेवा के पर्पज़ से हमने उनको रखा, और अपने खेत पे उनका गौमूत्र और गोबर उसको हमने यूज़ किया, तो जो गाय का रखने का हमारा पर्पज़ दूध ना होके गोबर और गौमूत्र है। अच्छा। तो उनके गोबर और गौमूत्र से हम खाद बनाते हैं, गोबर से जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, और गौमूत्र से हम उनमें जो छिड़काव करने की दवाई होती है, कीड़े भगाने की दवाई होती है, ग्रोथ प्रमोटर होता है, वो सब हम गौमूत्र से बनाते हैं, उसके अंदर विभिन्न औषधियाँ होती हैं जो कि डाल के उनको बनाया जाता है, तो इस तरह से हम गौमूत्र और गोबर से सारे यहाँ पे खेती उसी से होती है। चलिए, आप बताइए। जैसे ये भिंडी हमने बो दी है, इसमें आप देख रहे हो कि निकल आई है, भिंडी को ऑलमोस्ट 3 मंथ्स रखते हैं। ओके। और मैडम, और क्या क्या सब्जियां हैं यहाँ पर? सब्जी में यहाँ पे प्याज है, पत्ता गोभी है, पालक है, अच्छा यहाँ पे ये प्याज है, लेडी बर्ड भी है, तो इस तरह से ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटिंग बीज और अदर इंसेक्ट्स, और एक तरह से इकोसिस्टम पूरा डेवलप हो जाता है यहाँ पर मल्टी क्रॉप होने की वजह से। हनी बी का बॉक्स रखा आपने? नहीं, हनी बी ये देसी है, बस अपना अपनी भी होती है, लेकिन पॉलिनेशन में मैडम ये जो पीछे गायें दिख रही हैं, इससे तो ये बात पता चलती है कि भाई शुद्ध दूध घी और दही का उत्पादन तो आप कर ही रही हैं, प्लस इसके गोबर और गोमूत्र से आप जीवामृत बना के छिड़काव करती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, जो देसी गाय होती है उसमें उसके गोबर और गौमूत्र में बहुत गुण होते हैं। अच्छा। इवन आयुर्वेद में पंचगव्य ट्रीटमेंट होता है, जिससे गौमूत्र खासकर उसमें सारे वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक तो पौधे जगत को और इंसानों को दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। इस पे काफ़ी रिसर्च भी हुई है और चल भी, बहुत रिसर्च हो रही है, और कुछ प्रूव आ चुके हैं कि ये एक तरह का बायो इन्हेंसर है जो कि कैंसर को भी क्योर करता है। तो जब यही गौमूत्र को हम पौधों पे भी यूज़ करते हैं तो इसके बहुत ही चमत्कारी असर होता है इसका, जैसे कीट जो कि जैसे मौसम बदलते हैं यहाँ पे बहुत कीटों का प्रकोप होता है पौधों पे, तो लोग जनरली डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन आपके पास देसी गाय है तो उसके गौमूत्र को आप एक तरीके से आप उसका स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल मजबूत होती है और कीट ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो गौमूत्र की बात रही, और गोबर में मिट्टी को उपजाऊ करने की ताकत होती है, उसमें इतनी कहना चाहिए कि जीवनी शक्ति है गोबर में, कि मिट्टी आपकी
मिट्टी में जीवन दे देती है। और यदि मिट्टी में जीवन है तो आपका जो भी आप जहाँ भी डालेंगे, भले किचन गार्डन हो या आपका खेत हो, वो उसमें ताकत आ जाएगी और पौधे अपने आप मजबूत होंगे। तो जब मजबूत पौधे होंगे तो वो प्रोडक्शन भी अच्छा देगा और वो बीमारी से लड़ने की भी उसके अंदर ताकत होगी। तो इसका बेसिक ये प्रिंसिपल है इस खेती का कि देसी गाय के साथ ये की जाए, तो इससे आपकी एक तो मटेरियल कॉस्ट कम हो जाती है। बाज़ार में आजकल आए दिन इतने महंगे महंगे कीटनाशक आते हैं और वो क्या करते हैं, फसल को कमज़ोर भी कर जाते हैं, मिट्टी को कमज़ोर कर जाते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है देसी गाय। और देसी गाय की ये पहचान है कि उसका कूबड़ होता है। तो जो भी कूबड़ वाली किसी भी जोन की देसी गाय है, हिंदुस्तान में कई तरह की, हज़ारों तरह की देसी गायें हैं, हर जोन की एक अपनी गाय है। तो बस ये देखना है कि यदि उसके कूबड़ है तो किसान उससे बहुत अच्छी खेती कर सकता है। तो ये एक तरह से हम वरदान है खेती के लिए, कृषि के लिए। मैडम, आजकल एक चलन चल गया है कि लोग कहते हैं खेती घाटे का सौदा है। आप देख रहे होंगे किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसी खेती घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है? देखिए, किस तरह की घाटे की बात किसान करता है। देखिए, खेती यदि अच्छी स्वस्थ तरीके से की जाए तो इसमें स्वास्थ्य का फायदा है, बिल्कुल, है ना। और घाटे का सौदा जो केमिकल फार्मिंग होती है वो तो बिल्कुल घाटे का सौदा है। ना तो दाम मिलते, उस सही दाम नहीं मिलते, क्योंकि इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लाके पहले वो स्प्रे करते हैं तो उससे कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और उसके बाद जब मार्केट में जाते हैं तो दाम नहीं मिलते। दूसरा, उसको खाने से भी घाटा है, बिल्कुल। तो इसको कम से कम खाने से तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। तो जिसके पास भी ज़मीन है, मान लो कोई किसान जो केमिकल खेती कर रहा है, उसके पास जितनी भी ज़मीन है उसका 10% तो वो अपने लिए उगा के खा ही सकता है। तो उसकी जो खेती घाटे में है वो फ़ायदे में हो जाएगी। वो बस उसको ये एक एक्सपेरिमेंट करना है, ये एक उसको इम्प्लीमेंट करना है, है ना। ज़मीन पे जब इम्प्लीमेंट करेगा तब पता लगेगा, क्योंकि मैं करके दिखा चुकी हूँ कि ये बिल्कुल फ़ायदे का सौदा है। तो किसान तो क्यों नहीं कर सकता, पूरा 100% करने की बजाय, 100% करने की बजाय 10% ज़मीन पर वो इस खेती को अपनाए और फिर देखे कि ये फ़ायदे का सौदा है कि नहीं। महिलाओं के लिए मैडम, ये हमारे पीछे मैं देख रहा हूँ अनार का पौधा है, तो इसके अलावा और कौन कौन से फल को आप यहाँ ले रही हैं? यहाँ हमने नींबू लगाए हुए हैं, अच्छा। अमरूद है, केले, पपीते और अंजीर है, अच्छा। चीकू लगाया हुआ है, अनार है, मौसमी है, संतरा है, अच्छा। ये सारे पेड़ हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, जो कि इस लोकल एरिया में होते हैं वो सब लगा रखे हैं। यानी आपके फार्म हाउस में अनाज है, सब्जी है, दूध है, फल है, मसाले हैं, सारी चीज़ों की आपने खेती कर रखी है, बहुत अच्छा लगा। महिलाएं जो मैडम जो हमारी महिलाएं देख रही हैं आपको इस समय हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फसल क्रांति के द्वारा, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं महिलाओं से यही कहूंगी कि वो अपने जहां भी वो रहती हैं, वहां पे जितनी भी जगह वो उनके पास है, वहाँ पर वो कुछ ना कुछ हरियाली ज़रूर करें। और जिनके पास लैंड है, क्षमता है, तो वो कुछ ना कुछ अपने लिए खाने के लिए उगाएं, क्योंकि आज की ये ज़रूरत हो गई है। जैसे हम अपने घर को सजाते हैं अलग अलग चीज़ों से, बाज़ार से कुछ ना कुछ लेके आते हैं, कितना हम उस पर भी स्पेंड करते हैं, तो ये भी एक आज की ज़रूरत भी है। और इसको जब वो आप शौक के जैसे पालोगे तो वो इतना सुकून देती है आपके लिए, ये एक बहुत ही सुकून भरा भी होगा और आपके घर वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके घर की ब्यूटी को भी ये बढ़ाएगा और आपके लिए वाहवाही भी लाएगा समाज में, क्योंकि जो भी आने जाने वाला देखेगा और आपकी हरियाली देख के आप भी को वो तारीफ़ करेगा। तो महिलाओं के लिए तो एक जैसे खाना बनाना ज़रूरी है, है ना, उसी तरह से ये भी ज़रूरी है कि इसको भी ज़रूर अपने घर में आंगन में जगह दें हरियाली को। तो यही मेरा महिलाओं के लिए एक कहूँगी कि एक रिक्वेस्ट है। चलिए मैडम, आपने अपना बेशकीमती समय फसल क्रांति को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ हमारी महिलाओं को भी काफ़ी प्रेरित हो रही होंगी महिलाएं आपको देखकर, और वो भी किचन गार्डनिंग शुरू करेंगी। किचन गार्डनिंग कैसे शुरू करना है, नीचे वीडियो में लिंक दिया जा रहा है, उस पर आप मैडम के सीधे संस्थान से जुड़ सकती हैं और ट्रेनिंग ले सकती हैं। और कुछ Bye.
मैडम, जो महिलाएं किचन गार्डनिंग कर रही हैं वो अपने पौधों की देखभाल कैसे करें, वो थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, घर में किचन गार्डनिंग करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमें जो खुराक पौधों को देनी है वो घर से निकल आती है, हमारे किचन से निकल आती है। जो घर में रोज़मर्रा की सब्जियां आती हैं या फल आते हैं, उनके छिलके एक बेहतरीन खाद होती है, तो उसी को वो कंपोस्ट करें, खाद में बनाएं और उनको अपने किचन गार्डन में दें। या कोई भी आपने फल या फूल, किसी का भी पौधा घर में हरियाली है तो आप वो वाली खाद देंगे तो इसके एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट सामने आता है। तो ये तो मैं तो कहूँगी कि जो किचन का वेस्ट है उसे वेस्ट ना जाने दें, उसका सदुपयोग करें पूरा पूरा। तो इस कचड़े से आप खाद परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, क्या होगा कि कूड़े का निस्तारण भी हो जाएगा और आपके लिए जैविक खाद भी तैयार, जैविक खाद। और जो खाद आप पौधे को देंगे वो खाद कंप्लीट न्यूट्रिशन होगी आपके पौधे के लिए। अच्छा। क्योंकि जो छिलके उसके अंदर जा रहे हैं अलग अलग तरह के, वो अलग अलग न्यूट्रिशन लेके जा रहे हैं और वो उस खाद में है, और वो जब खाद आप दोगे तो उस पौधे को वो सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है, कंप्लीट न्यूट्रिशन। तो आपको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपको बाहर से कुछ ला के देना है, यदि आपने उसको खाद बना के दे दिया। और बहुत आसान होता है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से कोई भी घर में खाद बना सकता है। तो मैडम, हमें ये बताइए कि आपके पीछे मैं देख रहा हूँ विभिन्न तरह के फूल लगे हैं, ये सिर्फ शौक आपका है या फिर मार्केट पर्पस से आपने इसे लगाया है? देखिए, मेरा ये शौक है। अच्छा। पर इसका पर्पस मार्केट ना होके ये खेत के लिए है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये विविधता का, जैव विविधता का एक हिस्सा है। अच्छा। तो जब हम बहुत तरह की सब्जियां लगा रहे हैं, बहुत तरह के हमारे पास पेड़ पौधे हैं, तो कुछ हम पौधे फूलों के भी लगाते हैं, क्योंकि ये फूलों से अट्रैक्ट होके विभिन्न तरह के ऐसे कीट आते हैं, जैसे मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो ये आपके खेत की तो सुंदरता बढ़ाते ही हैं, आपको बड़ा सुकून देते हैं, साथ में ऐसे उपयोगी जीव आपके खेत में अट्रैक्ट होके आते हैं। तो ये एक तरह से जैव विविधता आपके खेत में क्रिएट हो जाती है, बन जाती है, जिस कारण से आपके खेत को भी फायदा होता है। तो जैसे किसान हैं, यदि वो जैविक कर रहे हैं तो कुछ फूलों के पौधे, सीजनल फूल हैं, गेंदा है या कुछ अपना देसी फूल हैं, वो लगाएं तो उस साथ में वो कीट भी अट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल। हमारी तो ये कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद उगाएं, जिनमें सक्षम हैं, कर सकते हैं, एजुकेटेड हैं। ये मैडम देखिए, तो ये अच्छा लगा। देखिए, आजकल महिलाएं जो अपने आप को टीवी में ही कैद कर ली हैं, सीरियस देखती हैं, ऐसे में अगर आप ये कर रही हैं इतने बड़े स्तर पे, तो बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि सब में ये नहीं होता, शौक शौक की बात होती है। हाँ।